दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जो कि फिलहाल में हमारी एक वीडियो आई है बाबा गोविंद साहब का, जो कि आप लोगों ने देखा। मैं वहां उस वीडियो में जो कि मैं कुछ सामान खरीद रहा था अपने दुकान के लिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी एक न्यू दुकान ओपन होने वाली है। तो मेरी जो दुकान होने वाली है फास्ट फूड की दुकान ओपन होने वाली है। तो अभी जो कि सही जगह पर रनूगंज मार्केट में हमारी दुकान नहीं मिल पा रही है, तो मतलब जैसे कि सही जगह पे अगर रूम मिल जाता तो मैं वहाँ पे जल्दी से अपना दुकान ओपन कर देता। लेकिन क्या है कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है इस बात का कि मतलब सही जगह पे दुकान नहीं मिल पा रही है। और जो है कि मैंने ठेले पे पूरा जो है कि अपना पोस्टर भी बनवा के लगवा उगवा दिया, सब कुछ रेडी हो गया है। और जो है कि फ़िलहाल अभी हमारे घर पर जो है कि किराना स्टोर है, यानी कि छोटा मोटा है, लेकिन सब सामान अवेलेबल है। यानी कि पूरा रूम में नहीं है, मतलब ऐसे अल्बेस्टर लगा हुआ, फिर उसके बाद वहाँ पर भी आप लोगों को दिखाते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि मतलब मेरे घर पे दुकान है, तो मैं जो कि चाउमीन वाला जो मेरी दुकान है फास्ट फूड वाली, सब चीज़ जो है यहीं पे अभी बेच रहा हूँ, तो जब तक नहीं मिल पा रहा है। और आप लोगों को अभी आप लोगों को दिखाते हैं मेरे दुकान पे क्या क्या बनता है। और अभी हमारे दुकान पे जो है कि चाउमीन और पास्ता बनता है, और जब मार्केट में दुकान खुलेंगे तभी उसके बाद बनेगा सब कुछ, जैसे बर्गर हुआ, फिर उसके बाद स्प्रिंग रोल हुआ, यह सब बनेगा। अभी आप लोगों को दिखाते हैं मैंने क्या क्या पोस्टर में छपवाया है, सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है, आप लोगों को बताइएगा। और अभी कैसे चाउमीन को मैं बॉईल करता हूँ, यानी कि उबालता हूँ कैसे हूँ, उसको भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, चलो चलते हैं दिखाते हैं अपना ठेला कैसा है। तो गाइस देख सकते हो ये रही फिलहाल मेरी दुकान, जो कि इधर अपना मैं पुराना वाला चैनल लगवाया हूँ, यानी कि जिसपे आप लोग वीडियोज़ देख रहे हो अखिलेश सहनी ब्लॉग करके है। और इधर नीचे जो है कि फास्ट फूड पॉइंट लिखवाया हूँ। और इधर देख सकते हो अभी सब कुछ मतलब सामान यहाँ पे इसे रखा हुआ है। अभी जो है कि पात गोभी वोभी पत्ता गोभी जो होता है, शिमला उमला प्याज वाज जो कुछ भी है इसमें रखा जाता है इस सब में। और इधर देखो मेरी दुकान जो है कि अखिलेश यूट्यूबर में लिखवाया हूँ अपने इधर। और नीचे देखो फास्ट फूड पॉइंट लिखवाया हूँ। और इसमें देखो क्या क्या है, स्प्रिंग रोल दिया गया है, पास्ता, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, और प्लस जो है कि फिंगर्स है, फिंगर चिप्स, यही सब है। और आप लोगों को दिखाएंगे अभी कैसे मैं बॉईल करता हूँ। और यही सब सामान है अभी यहाँ पे बनाएंगे, फिर उसके बाद यहीं गांव में भी जो है कि इसमें जो है कि चाउमीन बॉईल करता हूँ। तो अभी जो है कि फ़िलहाल मैं अपने गांव में ही बेच रहा हूँ, क्योंकि जो है कि अभी मार्केट में दुकान नहीं मिल पा रही है, मतलब अच्छे जगह पर रूम नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और ये देखो मेरी जो है कि छोटी वाली दुकान, इसमें सब चीज़ मिलता है भैया। आप लोगों को छोटी दिख रही होगी, बट जो है कि यहाँ पर हर एक चीज़ मिलता है, जैसे कि मतलब किराना वाला स्टोर पे जो इतना सामान मिलता है सब कुछ मिलता है। अभी हमें यहाँ पे जो है कि यहाँ पे आपको कैलकुलेटर दिख रहा होगा, यानी कि तर्जुई दिख रहा होगा कंप्यूटर वाला। तो इस पर अभी आधा किलो जो है कि मैं पास्ता बॉईल करूँगा, पास्ता को वजन करूँगा, फिर उसके बाद बॉईल करूँगा, फिर आप लोगों को दिखा। तो अभी जो है कि मैं गैस को ऑन करने वाला हूँ, फिर उसके बाद ये देखो इतना पानी है। अभी पहले जो है कि अभी पास्ता को बॉईल करूँगा, पास्ता को करने के बाद फिर उसके बाद चाउमीन को करूँगा। अभी देखो कैसे करता हूँ, इसको ऑन करता हूँ। अभी जो है ये पानी पूरी तरीके से जब गर्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद इसमें हल्का सा तेल मिलाएंगे। तेल मिलाने के बाद तब उसके बाद आधा केजी जो है कि आधा किलो ये पास्ता डालूंगा। इधर जो है कि पानी रखा हुआ है, इसमें प्याज व्याज गोभी पत्ता वत्ता सब कुछ शिमला उमला धुल के फिर उसके बाद काटना है। ये देखो बॉईल हो रहा है, अभी गैस जल रहा है, फिर उसके बाद बनेगा इसमें भैया। और जो है कि इसमें लगाना है जो कि तावा ववा सब कुछ है, रनूगंज मार्केट में जब जाएंगे फिर उसके बाद यहाँ पे बनेगा भैया। यहाँ पे एक या एक और रहेगा, वहाँ पे रहेगा, मतलब यानी कि तीन चूल्हे रहेंगे, तो तीनों पे काम होगा धड़ाधड़। तो और मैं आप लोगों को एक चीज़ देखने को मतलब भूल ही गया, ये देखो यहाँ पे भी मेरे चैनल का नाम दिया गया है, अखिलेश सहनी ऑफिशियल इस साइड मैंने लिखवाया है, जो कि मेरा न्यू वाला चैनल है, आप लोग जानते ही हो। अगर नहीं सब्सक्राइब किए हो तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा जो है कि इस चैनल पे आप लोगों को डेली डेली ब्लॉग वीडियोज़ देखने को मिलेगी। अगर जैसे डेली नहीं आ पा रही है तो आज नहीं, जैसे आज आए आज नहीं तो मतलब आज आ गए कल नहीं तो परसों ज़रूर आ जाए। तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं। तो गाइस अभी जो है कि आधा केजी आधा किलो चलते हैं, उसको वजन करते हैं पास्ता को, ये रहा आधा किलो करेंगे। देखो ये हो गया, अभी देखते हैं कितना होता है, 634 ग्राम, ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा भी निकाल लेंगे। निकालने के बाद फिर उसके बाद जब एकदम पूरी तरीके से
पानी गर्म हो जाएगा, गर्म होने के बाद उसमें तेल मिलाएंगे, फिर उसके बाद डालेंगे इसको। चलो दिखाते हैं कैसे करते हैं। देखो ये शिमला मिर्च, मिर्चा, अदरक, इधर पत्ता गोभी, अभी जो है कि ये बॉईल होने वाला है, इसमें भी डालेंगे तेल, गर्म हो गया है, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, फिर उसके बाद। तो गाइस जो है कि पास्ता और तेल जो है कि मैंने इसमें डाल दिया, डालने के बाद गैस बंद कर दिया है। कुछ देर बाद अभी जो है बॉयल हो जाएगा, बॉयल होने के बाद अभी हम हमारा जो है कि पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ओके, मैंने कहा था आप लोगों से कि मतलब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, मैं दिखाऊंगा, तो सॉरी गाइस, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी ना, इसकी वजह से टाइम नहीं मिला दिखाने के लिए, उसके लिए सॉरी। और देखो सब कुछ ख़त्म हो गया है, इसे भी इतना बचा है, देखो सब ख़त्म पूरा, जिसमें एक में पास्ता था, एक में चाउमीन था, ये दोनों ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। ठीक है, फिर आप लोगों से अंदर नहीं। तो गाइस जितना मतलब सामान था, यानी कि पास्ता और चाउमीन, सब कुछ यार एक ही घंटा में समाप्त हो गया, मतलब डेली जब होगा कि समाप्ति हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा है। अभी हम लोग जो है कि मार्केट में रूम ढूंढ रहे हैं, अगर मार्केट में रूम जल्द से मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और ये देखो मेरे भैया का लड़का बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत बदमाशी करता है, देखो ये देखो ये देखो आपको ये देखो, हाय करो हाय करो, हाय 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 हाय। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी, थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों से मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।